अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम हैं एनएस ट्रेनिंग के सेट पे। अच्छा, वो फर्स्ट पॉडकास्ट सर दारिया के साथ हमारे साथ हैं और अच्छा हमारा टॉपिक जो है वो है सर टॉपिक अच्छा टॉपिक हमारा है जी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ बिजनेसमैन टू अ बिजनेसमैन। ओके, तो यार मैंने सुना था पॉडकास्ट हो रहा है, कोई बड़े-बड़े माइक होंगे, ये क्या छोटे-छोटे माइक हो रहे हैं? हमारा बजट अभी स्टार्ट हो रहे हैं ना। ओके, अच्छा पहला पॉडकास्ट है। पहला ओके ठीक है, बजट मैंने देना था, बजट सर ने देना। ठीक है, मसला नहीं है जी। तो सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। कोई इसमें नमरा के बारे में बहुत क्वेश्चंस है भाई, नमरा कौन है, हर इवेंट में नमरा कौन है। सो यूएल का इवेंट, ठीक है, एनएस के एनुअल इवेंट्स और यूएल के अलावा यूसीबी के इवेंट जितने भी हुए हैं, नमरा जो है हमें वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन थी लाइक ये आपके साथ कौन बैठी हुई है। ओके, सो नमरा जो है हमारी मीडिया मैनेजर है एनएस ट्रेनिंग में, और थोड़ा सा मैं बताता हूं कि एनएस में जो है हमारा नमरा का कितना टाइम हो गया नमरा मुझे मैंने ना हाफ ईयर मुझे तो बहुत मजा आया, बल्कि हम लोग का अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है, आपका भी अच्छा चल रहा है मेरे साथ सर। अच्छा, सही, ठीक है। ये जो आपको हर जगह पोस्ट वगैरह इतनी एक्टिव मैं क्वेश्चन देखिए ये आपकी ऑडियंस से। अच्छा। जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस किए हैं, जो ऑडियंस के मैसेजेस आए हुए हैं सब कि जो क्वेश्चंस आपसे करना चाह रहे थे। अच्छा, हम आज स्टार्ट, मुझे बताया नहीं पहले क्वेश्चन भी होंगे, आपने कहा था जनरल डिस्कशन है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन, लेट्स डू समथिंग न्यू। ओके ओके, आप हमेशा ट्रेन करते थे, आज हम लोग कुछ न्यू करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अ पर्सन स्टार्ट करें जैसे मर्जी कर ले, मैं इसलिए आया हूं आज, पर्सनल करें चाहे एनएस के रिलेवेंट करें। थैंक यू सर, आज आप थोड़ा सा मैं भी कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं, मेरे टीचर भी हैं थे। इससे मेरे को सर लगी हुई है, मेरे टीचर भी रह चुके हैं। मेंशन करो ना टीचर किसी किस तरह से सोचते थे, वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, नहीं ये मेरे इंग्लिश के टीचर रह चुके हैं, क्योंकि हम लोग आईएलटीएस की तैयारी कर रहे थे और अच्छा हमारा पहला क्वेश्चन जो है मैंने लिख भी लिया, कुछ ट्राई किए हैं। अच्छा, तो एनएस से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये पहले कुछ पर्सनल हो जाए, एनएस से थोड़ा सा कर लेते हैं। नहीं, एक पर्सनल क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा, मैं उस क्वेश्चन को पढ़ के इतना हंसी हूं लाइक ऑडियंस से क्वेश्चन आया और वो एक क्वेश्चन ही था, एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि समझ आए जो शादी हुई है ये निकले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन लाइक उन्होंने जो किया हुआ कि लाइक आर यू सिंगल, लाइक इसको कैसे आर यू सिंगल मिंगल और डबल शुगर। बेसिकली जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंगल हूं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ही कह सकते हैं ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि यार अभी तक सिंगल हूँ तो उसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह का वर्ड ऐड किया ताकि ये लगे कि मैं खुश हूँ, हालांकि कौन खुश होता है। अच्छा, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से कह रहा हूँ कि भाई लोग कहें ना कि भाई शायद फंस में नहीं, मेरा मतलब मैं कह रहा हूँ हां नहीं मैं सिंगल हूँ अभी तक, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, गेम्स ओपन है, जब मिल जाएगी अच्छी तो क्यों नहीं, सिंगल थोड़ी बनना है ऑब्वियसली। अभी डबल अंडा वगैरह नहीं बना, डबल नहीं, लड़की नहीं मिली अभी तक, अभी तक नहीं मिली यार, ढूंढ रहा हूँ, लड़की अभी तक मिली नहीं है, नहीं लाइक किसी ने अप्रोच नहीं किया, अप्रोच किया है तो बस नहीं यार, कई दफा बंदा अप्रोच करता है आगे से वो कहते हैं भाई क्या किधर भाई ये नहीं है ये वाला सीन मुझे बहुत चला यूनिवर्सिटी में। ओ यार मैं यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा था ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हम्बल था, तो हम्बल जब बंदा रहता है ना तो वो लड़की जो है वो भाई नहीं बनाती है, तो फिर मैंने कहा बंदे को हम्बल कम रहना चाहिए, तो बहने ही बनती रहेंगी ऐसे ही जो भी है, मेरा यही होता है नाम के साथ भाई। यार एक हमारा सेफ कॉर्नर होता है, लड़कियों को पता होता है कैसे सेफ करना है, भाई का वर्ड यूज किया करें, लड़कों की भी मीडिया खत्म हो रहे थे भाई, वो पहले हम लोग फर्स्ट में बोल देते ना,
तो थोड़ा सा नहीं कुछ लोग कहते हैं ट्राई करते रहना चाहिए देखो ट्राई नहीं करो ये आपको ना वो दे रहे हैं मुश्किल ट्राई लाजमी है देखो कब तक कभी तो फिर करना कभी ना कभी तो होनी है ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों ने मतलब पूछा है तो मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन ये कर लिया जाए चलिए फिर हम एनएस से स्टार्ट करते हैं हाँ इसका इसका मेरा मेरी तरफ से एक पर्सनल क्वेश्चन व्हाई एनएस नेम लाइक एनएस ही क्यों नाम रखा है एंड मेरे जेब में सिंह आ रहा था मैंने कहा दानियल ने एनएस रखा है मतलब कोई लड़की एन के नाम से थी फिर कोई लड़की एस के नाम से थी तो फिर एनएस खुल गया यार मेरा ना फैमिली में ना चलता है रूमर ना इसकी दो शादियां हैं ठीक है मेरे ना हाथ की लकीरें देखी जाती है बाबा को अच्छा। हाथ की लकीरें बेटा तेरी दो शादी है अच्छा। तो अब उससे लोगों को ये लगता है एन से एक लड़की है एस से भी लड़की है दोनों कुछ रखा है ओह माय गॉड लाइक मेरे साथ बिल्कुल लाइक मेरे माइंड का जैसे जा रहा था नहीं चलो कोई गुजर नहीं है आने वाली है दो लड़कियां अच्छा सो बेसिकली एनएस जो है हम लोगों ने नाम रखा था नेक्स्ट स्टेप ठीक है एन ई एक्स एस ई बी नेक्स्ट स्टेप बेसिकली नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जो है एक्सीलेंस ठीक है नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप सो लेकिन हमें नेक्स्ट स्टेप का नाम नहीं मिला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसके नाम से ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है नाम चेंज करो तो फिर हमारी एक एम्प्लॉय थी उन्होंने ग्रुप का नाम बनाते हुए एक दिन एनएस से ग्रुप का नाम बना दिया हमने कहा एस से ही अप्लाई करके देख लेते हैं तो इस तरह नेक्स्ट स्टेप का नाम एनएस एग्जैक्टली है पहले पहले कुछ लोगों को नेक्स्ट स्टेप के नाम से भी लोगों को पता है लेकिन अच्छा। वो वाले लोग जो बिल्कुल स्टार्ट में मेरे साथ है अभी लोगों का अब मजा आता है एनएस ही बोलने में नेक्स्ट स्टेप हाँ। सोचे तो वो नेक्स्ट स्टेप थोड़ा वो क्या बन जाता है एनएस तो भी लगता है जैसे कोई लोगो टाइप में भी चीज आ गई है डिजाइन लोगो मुझे बड़ा पसंद है लोगो अब मैं आपको लोगो की स्टोरी बताता हूँ लोगो जो है ये मैंने बनाया था खुद डिजाइन किया उस लोगो में जो मजे की चीज है वो ये है कि ये मेरा वो फनकार है जिसके बाद मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग करना छोड़ दी क्योंकि जब मैंने एनएस का लोगो को दुख मिलते लोग छोड़ देते हैं जब मैंने कहा कि जो ये बन गया है अब नहीं बन सकता इसमें अगर आप गौर से देखो ना इसमें इल्यूमिनेशन है इसमें आप देखेंगे तो ये वॉल्स मूव होती हैं ये वाली इस जगह पे ठीक है इसमें इल्यूमिनेशन है 3D टच है इसके अंदर तो ये लोगो मेरा फनकार ऐसा कहते हैं ना कि अब ताजमहल बना उसके हाथ काट दिए ना उसने अब अपने हाथ नहीं काट सकता शाहजहां ने ताजमहल बना के हाथ काट दिए मैं अपने हाथ तो नहीं काट सकता डन हो गया ग्राफिक बस स्टॉप लग गया दैट्स ग्रेट ओके तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन ये आया हुआ है कि सर आपने तो इंजीनियरिंग की थी तो जब भी किसी वर्कशॉप में चले जाओ जब भी किसी बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी के साथ बैठे हो कह रहे हो आपका पीछे बिजनेस स्टडी क्यों नहीं है आप इंजीनियरिंग से क्यों है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी एक ही मकसद कि शादी के लिए लड़की अच्छी मिलेगी क्योंकि मुंडा इंजीनियर है मकसद पीछे एक ही था इंजीनियर्स आजकल पाकिस्तान के आप मैंने जहां भी देखे वो बेचारे रुल रहे हैं इसलिए जो मेरे कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड में मुझे भी ये पता था कि रुलना ही है आगे तो फिर एनएस का स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हमें 2018 में पता चल गया था कि ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मैंने चीजें सीखनी शुरू कर दी थी तो इसलिए रुलने से बच गए इंजीनियरिंग की आते हुए भी तो लाइक आपको लगता है कि ये जो आपने स्टडी की है कि कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है आपके बिजनेस की जो एनएस ट्रेनिंग आपने यार देखो यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपने इसको एंगेज किया कहीं ना कहीं इसे तो एंगेज किया होगा अब ऐसा है ना अब इंजीनियरिंग में हम लोगों ने इतने सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया है ठीक है अब हम एनएस में कोई भी चीज काम कर रहे होते हैं ना वो डिफरेंट एप्लीकेशन लगा रहे होते हैं हमें मसला नहीं होता क्योंकि टेक बैकग्राउंड है ना इसलिए तो गलती से मेरे पास मेडल भी है मतलब आई वाज अ बैक बेंचर यूनिवर्सिटी ठीक है और बैक बेंचर होके मेडल लेना ज्यादा मजे का अच्छा ये वो वाली चीज है जो गाना आया हुआ था रूल दे गए हैं रूल दे गए हैं पर चस पड़ी है तो वो इंजीनियरिंग से चस पड़ी नहीं है लेकिन मैं उस तरह से रुला नहीं हूँ अच्छा। इंजीनियर की तरह तो क्यों क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा जो फ्रेंड्स थी मेडिकल की थी मुझे पहले पता था इंजीनियर अब 400 लड़कियों में 3 लड़कियां आ रही हैं 400 लोगों ने 3 लड़कियों में ट्राई करनी है इतनी मुश्किल तो जॉब से पूछ गई थी मिलती जितनी लड़कियां होती इंजीनियरिंग में
तो मैंने पहले तो सोच लिया था इंजीनियरिंग की लड़कियां छोड़ो मेडिकल भरा पड़ा, लेकिन फंसी फिर भी बस। अब आप ये वाली कोशिशें छोड़ दें। नहीं नहीं मामा मामा कहती है कि तुम्हारी शादी जो है ना तुम्हारी पसंद से करनी है, और आई वाज लाइक डैड कि आप भी ढूंढ रही थी। तो मैंने उनको बोला कि वही ढूंढे मामा, मैं तो आती जाती को देखता हूं, वो मुझे नहीं देखती, तो वो देखेगी भी तो फिर मैं उसको मना कर यार आते हैं प्रपोजल, तो मैं क्या बताऊं आते हैं प्रपोजल्स, लेकिन कोई ऐसी होना जो दिल को लगे था दिल से फट गया तो फटे ना ना, मतलब वो कहते ना जिसने कहते तो वाली मर सकती, वो मरना नहीं है जीना है, जीना है, मैं ट्राई करूंगा। तो वो चीज है, सही हो गया। अच्छा और क्या पूछा है लोगों ने, और क्या पूछा, एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपको एनएस ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई कितना वक्त हो गया, लाइक कितना? यार इट्स बीन 3 इयर्स, ठीक है, लेकिन रजिस्टर्ड लोगों को सिर्फ ये पता है कि 2.2 इयर्स हो गए हैं, 2.2, ठीक है, लेकिन स्टार्ट बेसिक जैसे एक क्वेश्चन ने किया हुआ कि आपको लाइक 4 इयर की आपकी इंजीनियरिंग मतलब की है, ठीक है, तो आपने बिटवीन योर स्टडीज, या तो बेसिकली चीज ये थी कि इंजीनियरिंग के दौरान, ठीक है, तो हमारा 7th सेमेस्टर था, एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट था, ठीक है, तो सर ने कहा जी कोई प्रोजेक्ट बनाओ कुछ करो मतलब लाइक, उस टाइम पे हमने सोचा, मैंने कहा यार एनएस ट्रेनिंग नेक्स्ट स्टेप तब था ना, तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उस टाइम पे लोग मीट की तैयारी कर रहे थे, और मैं रात को बैठे कंपनी की तैयारी कर रहा था, मीट का पेपर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लिख के दे दिया जो आया, उसके बाद फाइनल आया, जब लोग फाइनल का पेपर दे रहे थे उस दिन मैं एनएस लॉन्च कर चुका था, जब एनएस का हम लोगों ने लॉन्च किया फाइनल में, तो फाइनल पेपर के बाद प्रेजेंटेशन थी, तो एवरीवन लाइक दैट के आई विल मेक दिस प्रोजेक्ट, आई विल मेक दिस प्रोजेक्ट, और आई वाज लाइक दैट आई हैव मेड दिस प्रोजेक्ट, एनएस ट्रेनिंग इज इन वर्किंग नाउ, इट्स अर्निंग नाउ। सो उस टाइम सर ने मुझे कहा कि दिखाओ, मैंने स्टैट्स दिखाए, तो सर कहते हैं तुम्हारा ये पेपर है, ये पढ़ा है बगैर चेक, ये ग्रेड है तुम्हारा, तो मेरा बगैर चेक 93 पे ग्रेड है एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट का मेरे पास एनएस ट्रेनिंग है, मतलब तब से फायदे ले रहा हूं माशाल्लाह। ये एनएस का मेडल, सर आपको मेडल लेके आना चाहिए था, हम अपनी ऑडियंस को भी मेडल दिखा देंगे, कोई नहीं दिखा देंगे। अच्छा मजे की बात है, मुझे मेडल मिला ना जब, तो वो बड़ा एक ना डिफरेंट सा सीन था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मुझे मेडल मिलना है। ये ऐसे जिसकी शादी हो रही है और उसको पता है कि मेरी पोजीशन थी सेकंड, ठीक है, सिल्वर मेडल था मेरा, लेकिन जो यूएस था यूएस सिल्वर मेडल लेती नहीं थी, ना सिल्वर ना ब्रॉन्ज, तो हम लोग पहले वो लोग हैं जिनको सिल्वर मेडल मिला, तो शायद मैं जो है बाजट हो रहा था उन्होंने मेरे लिए सिल्वर मेडल अरेंज कर दिया पूरे एलुमनाई को। ओके दैट्स राइट। तो उसमें फिर जो अब कन्वोकेशन थी जिस दिन, तो मैं तकरीबन हमारी कन्वोकेशन मुझे 2 साल बाद कोविड की वजह से ना, तो हम 2 साल बाद लोगों से मिले हैं, उसमें मुझे ये खुल गया कि कन्वोकेशन में भी आया हूँ। तो फिर मुझे स्टाफ ढूंढ रहा था इलेक्ट्रिकल का कि दानल कहाँ है, जब मैं आया मेरे बाबू पकड़ के आगे ले गए, तो मेरे साथ जो पूरा दोस्तों का ग्रुप था वो सारे पीछे और मैं आगे, तब मैंने उनका मुंह देखा है, तब मुझे लगा कि वो 3 ईयर में नहीं था, अगर दोस्त जो है वो नाकाम हो तो दुख होता है, लेकिन अगर एक दोस्त ऊपर चला जाए तो बहुत दुख होता है। तो वो वाला सीन हुआ कि सारे मेरे दोस्त पीछे बैठे हुए और मैं आगे जा रहा हूँ, बैक बेंचर थे, मेरा खुद का ग्रुप 15-20 लोगों का था अपनी क्लास में, तो मैं आगे जाके बैठ गया, और तब मुझे मैंने उनसे कहा करने का सर मैं पीछे बैठ जाता हूँ, जो मेडल लेना हूँ मैं आगे आ जाऊंगा, कहते नहीं तुम इधर ही बैठो बस दे देंगे ये वो, मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं तो खैर सिल्वर मेडल मिला ना मुझे जब, तो अब मेडल ना प्लान नहीं था ना, जैसे पहले बताया सिल्वर मेडल उन्होंने दिए, तो अब मेडल ना उन्होंने मुझे दिया स्टेज उतर के वापस ले लिया, क्योंकि वो मेडल के ऊपर नेम नहीं लिखा हुआ था प्रिंटेड, तो अब मेरे आगे का बताया मैंने कहा सिल्वर मेडल मिला है तो करवा लेते दिखाओ, क्या दिखाऊं, और जिस वजह से मुझे गुस्सा है अपने दोस्तों पे, इन्होंने ना मेरी पिक्चर बनाई ना कोई तालियां मारी, ये होता है जब मुझे मेडल मिलने लगा मैं देख रहा हूँ उनकी तरफ ही मुझे देख रहे, मैं देख रहा हूँ कि कोई तालियां बजाओ तालियां बजाओ, किसी ने कुछ नहीं मिलाया, मेरे ख्याल वो मुझसे ज्यादा शौक थे, ठीक है, तो लेकिन फिर मेडल मुझे मिल गया आफ्टर मतलब 1 मंथ, ठीक है, प्रिंटेड मेडल है, उसकी मैंने पिक्चर लगाई इंस्टाग्राम के ऊपर, सो है जब मुझे एंटरप्रेन्योर का मुझे भी मिला था तो मेरा ये था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं विन करूंगी अवार्ड, मैं जिस यूनिवर्सिटी से इसका मजा ही अपना होता है, और इस चीज से हम लोगों को लाइक
जैसे पुशअप किया है कि जब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट अवार्ड मिला, मुझे मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में ही मिला था, एंटरप्रेन्योर में आपकी फर्स्ट पोजीशन है कि बिजनेस उन्होंने मैंने लॉन्च किया हुआ था, और उस चीज ने मुझे पुशअप किया कि पुखराज से मैं बात कर रही हूँ, पुखराज से मेरा क्लॉथिंग ब्रांड है, वुमेन्स क्लॉथिंग ब्रांड, तो उसमें ये था ना कि उस चीज ने बकअप किया, पुशअप दे दी, नहीं आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ। पूछना है कि भाई पुखराज आपने स्टार्ट कैसे किया, एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड पुखराज को मिला था? मुझे दरअसल मिला कोई और ब्रांड में था। अच्छा। मैंने अपना अपने एक पुखराज से पहले एक और ब्रांड स्टार्ट किया था। सही है। तो मैंने पहले वेस्टर्न कट्स निकाले और पाकिस्तान में जैसे आप देखने के हर तरह का फैशन अब चल रहा है, तो हाथों हाथ हर चीज मेरी बिकी है। अच्छा। I was so amazed. ठीक है, लेकिन फिर मुझे ये चीज़ें लाइक एक मैं पर्सनली सेटिस्फाई नहीं थी कि कपड़े जो है काफ़ी न्यूडिटी की तरफ जा रहे थे, तो लोग और आराम लेने वाले थे। फिर मेरा माइंड मेरा हिट किया, मुझे मेरा एक फ्रेंड है उसके साथ मैंने माइंड बनाया कि नहीं कुछ छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने पुखराज को लॉन्च किया। पुखराज में यह है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न मिक्स है और थोड़े से इंसानियत भी है, हम लोगों को लाइक एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें हम लोग नहीं प्रमोट करते थे यार यहाँ से इतना हो गया। तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिस्पॉन्स जो लोगों का रिस्पॉन्स आया था वो बहुत अच्छा था, मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था फिर एंटरप्रेन्योर का, तो वो यही बात थी उसी चीज़ ने मुझे पिकअप किया, पुशअप किया कि नहीं मुझे अब एक कुछ न्यू ले आना चाहिए। आपको भी जैसे आप भी बिजनेस कर रहे हो, मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो इस चीज़ बहुत आपको करीज लोग करते हैं, फिर इसी अगर आपको काम स्टार्ट होते पहले कोई नहीं करता, ठीक है पहले आपको कोई मुंह भी नहीं लगाता, ठीक है जब आप स्टार्ट कर दो रन होने लग गए तो फिर लोग आपको करने लगे वर्कअप करते हैं, लाइक आप बहुत चेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब मैंने फिर जब ये पुखराज स्टार्ट किया, जब मुझे अवार्ड मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये नहीं कि आपको अवार्ड नहीं मिला आप काम नहीं कर सकते, नो, ठीक है ये बस ये है कि लाइक मुझे जो चीज चाहिए थी मुझे मेरे ब्रांड से वो मिल गई है, लाइक मैं काम करना चाहती थी और उस चीज का स्टार्ट मेरा बहुत अच्छा हुआ था। कई लोग देखे जिनका स्टार्ट ही अच्छा होता है उनका एंड अच्छा होता है, ऐसा ही है। अब ये नहीं कि मेरा स्टार्ट अच्छा हुआ एंड अच्छा हो, नहीं अच्छा जर्मनी, ठीक है जर्मनी में भी रह के आप माशाल्लाह जो है पाकिस्तान में इतना कुछ कर रहे हो, एक ब्रांड चला रहे हो, एनएसबी काम कर रहे हो, ठीक है और स्टडीज कर रहे हो, तो टफ नहीं होता है? टफ तो बहुत है, टफ इस लिहाज से कि आपको एक इस एज में आ गए, तो मुझे वैसे 20 जब मैं एज में थी तब मुझे एंटरप्रेन्योर का मिल गया था, अभी मैं स्वीट 16 में हूं। ये है कि मुझे लाइक इतनी सी एज में इतनी मल्टीपल चीजें मैं कर रही हूँ, और मैं सिर्फ अकेली नहीं, बहुत सी लड़कियां जॉब कर रही हैं। अब मैं स्टूडेंट से जब एक बिजनेस की तरफ है, सेम लाइक आप भी एक स्टूडेंट से एक बिजनेस की तरफ है, जो टॉपिक है आज हमारा वो यही है कि लाइक कैसे ही जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपका बैकग्राउंड है, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरे इंटरेस्ट और मेरी हर चीज से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो आपका भी कुछ इसी तरह से है, इवन दो आपकी फैमिली में डॉक्टर्स हैं सब, जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो लोग मुझे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं सर आपने तो आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा, आपको फैमिली की सपोर्ट मिल गई होगी, ठीक है तो आपने कर लिया होगा, एक तो बैकग्राउंड है, एक भी सपोर्ट जो है ना फैमिली की जो है, इवन दो कि जब मैंने स्टार्ट किया जिस तरह ने बात की कि स्टार्ट में कोई हेल्प नहीं करता, जब आप कर लेते हो तो फिर आपको बड़े लोग आते हैं कि भाई हाँ भाई हम मिसाल ही मेरा कजन है, ये मेरा ये मेरा ये है, सब कुछ बन जाते हो फिर आप पहले कोई बनाता तो करना चाहिए आपको। बिल्कुल, आप जहाँ पे भी हो ना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है, और आप इंशाल्लाह फील होगे कि आपको रोज की प्रोग्रेस होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया स्टार्ट में? फैमिली के स्टार्ट में मेरे मामा बाबा दोनों मेरे इसलिए खिलाफ थे क्योंकि उनको था कि इंजीनियरिंग की है, डिग्री ली है, मेडल ली है, क्या इंजीनियरिंग के बाद जा रहे बिजनेस चलाने के लिए, तो में लोगों को आइडिया ही नहीं है कितना बड़ा बॉस, कितने दिन खाना नहीं खाया था घर वालों को, मैं 6 महीने घर से बाहर रहा हूँ, 6 महीने इस तरह रहा हूँ कि भाई मैं लाहौर में रहते हुए मेरे फ्लैट लिया हुआ था। अच्छा। और मैं फ्लैट में रहकर इंजीनियरिंग भी कर रहा था, इंजीनियरिंग की जॉब भी कर रहा था, मुझे घर वालों ने कहा था कि इंजीनियरिंग की जॉब भी करनी है साथ ही कर लो, वो मुझे शिफ्ट नहीं होने दे रहे थे, तो 6 महीने रह के मैंने जो है वो इंजीनियरिंग में काम किया, ठीक है अपने एनएस में काम किया और इवन दो तक मेरी यूनिवर्सिटी भी चल रही थी,
इंटर्नशिप वगैरह थी, तो तब तीनों चारों चीजें मैंने वहां पे फ्लैट लगा के 6 महीने काम किया। वो ये होता है कि आप एक चीज को स्टार्ट करो तो फिर लाइक अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह पाक भी, जैसे कहते हैं ना, हर कोई रास्ते बनाने पे लग जाता है, तो वही वाला हिसाब होता है। तो जैसे मैंने आपको भी मैं जर्मनी बैठी हुई हूँ, मैं यहाँ एनएस पे जॉब भी कर रही हूँ, मैं बिजनेस भी कर रही हूँ, तो बात वही है कि एनएस का फायदा के लिए हर चीज से आपको एक बेनिफिट हो तो आपको मजा आता है। तो मैं ऑनलाइन इसमें काम कर रही हूँ, वहां बैठे मैं अपनी स्टडी भी कर रही हूँ, अपना बिजनेस भी रन कर रही हूँ। आज तो वैसे टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका हुआ है, आपको हर जगह बैठे बैठे, हम लोगों को टेक्नोलॉजी भाई बहुत बड़ी चीज है, आपके सामने पड़ी हुई है, यही सब रख स्टार्ट करो तो आइडिया होगा ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है, जैसे आप पहले हम लोग ने जब ये मैंने आपको बताया, जैसे मैंने कोर्स किए, जब एनएस ट्रेनिंग से मैंने खुद कोर्स किए जो मास्टर्स के लिए, तो उसमें ये है कि ना क्लास में ही आपको असाइनमेंट करनी है। अच्छा, अभी सर ने टास्क दिया, अभी करना है। हमारी वहाँ पे यहाँ तो होता है डेढ़ घंटे घंटे की क्लास है, तो हम लोग चीखे मार रहे थे इतनी लंबी क्लास, वहाँ पे ना यार आप लोग नहीं इतना कुछ कह सकते, लाइक आपको जो है करो इसी में, यू हैव टू डू रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो भी करने पड़ते हैं। मजा आने लग गया था, मजा आता है वो इस तरह से, क्योंकि एक्टिविटीज बहुत है वहाँ पे, थियोरेटिकल नहीं हो रहा, बुक पकड़ी है टीचर बोल जा रहा, तो वहाँ पे इस तरह का हिसाब नहीं है, ये चीजें यहाँ पे होती है। तो सर ने टास्क दिया है, ठीक है, कुछ काफी बच्चे मीडिया से हैं, सबने ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई ऑलरेडी। मेरा ये था कि मैंने पहले स्टडी से भी की थी बैचलर्स में, तो मैंने आपके जब ये कोर्स थोड़ा मतलब स्टार्ट किया, तो आपको कहते ना एक कीवर्ड्स और कुछ टास्क पता चल जाते हैं, छोटी छोटी चीजें आपके ना वो कंप्लीट करने के लिए कोई रोड मैप मिल जाए ना, वो बड़ी बात है। ऐसा ही है कि ऑनलाइन लोग कमा रहे हैं, सब सुनते हैं, लेकिन किसको ये नहीं पता कि रोड मैप क्या है और स्टार्ट कहां से करना है। ऐसा ही है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो मैंने आपकी तरफ भी की, तो वो सर ने काफी छोटी छोटी बताई जो मुझे चीजें पता ही नहीं थी, कि आप क्यों मैं इतना एक लॉन्ग वे हूँ, कहते हैं हार्ड वर्क की क्यों करना, स्मार्ट वर्क करो। तो वो टीचर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, अच्छा ये चीज यहाँ से भी सकती है, जिस चीज को हम लोग कहते हैं यूट्यूब में हर चीज अवेलेबल है, ठीक है यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन मजा आता है जब आप क्लास में बैठे बैठे, आप मैं ऑनलाइन बैठी हूँ, मैं जहाँ पे भी हूँ, ठीक है इसका फायदा है कि मैं जहाँ पे भी मैं इंगेज हूँ अपनी क्लास के साथ, ठीक है। अब मुझे यूट्यूब में नई वीडियोस देखनी, मैं क्वेश्चंस कर सकती हूँ। तो जब ग्राफिक का भी मैंने किया, काफी छोटी छोटी चीजें मुझे पता चली, जैसे कहते हैं वो एक वर्ड स्पेसिफिक यूज होता है, क्या यूज करते होते हैं हम लोग, यही बड़े जो छोटे छोटे नुस्खे पता चलते नुस्खे होते ये नुस्खे छोटी छोटी आपको छोटी छोटी बातें पता चल जाती है, अच्छा इससे ये चीज हो सकती है, तो मैं जल्दी जल्दी काम करके ना अपना दे देती हूँ। तो सर को ये चीज बड़ी हाईलाइट की, लाइक मेरे सर के दिस गर्ल, ठीक है ना, ये जल्दी करके दे देती क्यों, तो मैंने उनको बताया कि सर लाइक आई डिड कोर्सेज इन दिस, तो उन्होंने काफी अच्छी बात किया, हाँ इसका नाम आप भी चल रहे, फिर उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, लाइक बच्चे जब मेहनत करते, हमारे यहाँ की वहां बहुत मेहनत है पाकिस्तान की, लेकिन हम लोगों को एक वे नहीं पता होता, ठीक है। तो अब मैंने जब सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी आपसे रिसेंटली जो किया है कोर्स, में मैंने क्या किया, मैं कॉन्टेंट क्रिएटर अपना एज इन्फ्लुएंसर अपना स्टार्ट करना चाहती थी, तो उस चीज से मुझे काफी हेल्प आउट, मतलब एक हुआ कि मैं ना इंस्टाग्राम में मेरा अकाउंट है, फॉलो करना मुझे हाँ टैग कर देंगे नम्र इस्ताद के नाम से है, तो उसमें ये चीज मुझे हुई है कि मुझे ना मैंने किसी से अगर कोई काम करवाना है ना एड्स का, तो मुझे पता है वो मुझे ठग नहीं रहा, तो ये मुझे फायदा हुआ है। तो मैं कह सकती हूँ, मैं सजेस्ट करती हूँ लोगों को, इतनी कम प्राइस में आपको इतनी ज्यादा चीजें मिल रही है, आप एक तो इतने फ्रेंडली टीचर्स हैं, आप कोई क्वेश्चन करो वो बता देते हैं, तो इस चीज के लिए अब हम लोग जैसे नेक्स्ट स्टेप ही है वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि हम एनएस को कहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो अभी के लिए फिर हम अभी बाय बाय करें, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर बाय।